माइनस में है इस टाइम यहाँ पे, फ्रिज में आ गए हैं। माय गॉड, मैं तो फ्रिज में, ये माइनस में है, ये पाइप से इतने ठंडे हुए हैं फुल। मैंने जिंदगी में पहली दफा कोल्ड स्टोर देखा है। ये सारी इस तरह बेसमेंट, ये देखिए ये मशीन है, कोई आ ही जाता है। एक सेव कर दो, नहीं है अपन का क्या, नहीं है पाकिस्तान में, नहीं नहीं पता ना, नहीं है अच्छा ना, आ गया खा गया आपने, ये लो ये देखिए, देखिए जी क्या कर रही हैं, और ये बच्चा पार्टी देखें जी। माशाल्लाह इमरान भाई के घर मजेदार जबरदस्त चाय का तमाम कैमरा, मोटरवे से जाना पड़ेगा, हाँ पेंसिल के लिए मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा, वहाँ से लेके जाना पड़ेगा। नोनू मिस कायनात, कायनात क्या खाई, कायनात नहीं, जैन क्या कह रहा ढक्कन, जैन इसको समझ नहीं आई। हम बैठे हुए इधर रूम में पानी, हाँ, और ये देखे जी यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, हसन भी चला गया, रामेश ने देख लिया कि उसका व्लॉग बन रहा है, फौरन शर्माना शुरू हो जाता है बच्चे। इमरान यहाँ बैठे हुए देखें जी कैसे ग्लासेस लगा के हैं फुल, और मुस्तफ़ा नोनू यहाँ बैठा देख रहा है इस रूम में इनको, मुस्तफ़ा हसन अब फुल एंजॉय कर रहा है, मुस्तफ़ा देखें मुस्तफ़ा देखें क्या कर रहे हैं, मुस्तफ़ा ये आप देख लें, इन सब को सिर्फ तस्वीरों की पड़ी, अब ये शायरी की बारी है, देख लें आप शायरी को देख सकते हैं, हसन मस्तियाँ कर रहा है, इसका फोबिया हो गया, ये देखें अयान भी ऐसे बना रहे हैं, देखिए जी जैन कैसे, अब जैन का फोटो शूट हो रहा है ग्लासेस लगा, हसन का बस नहीं चल रहा, हसन को मैं कह रही हूँ निकल आओ, अगर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये क्या करने लगे, ये होता जा दे रहे हैं दूसरे को, ये छटन वाला है, ये बाकी फिल्म ना हो, निशा साइड में ये देखना, निशा साइड में इनको पता नहीं कि आप ही बना रही है व्लॉग, इन ये देखिए ये क्या हरकतें कर रहे हैं, फिर ये बच्चे हैं कि लड़के हैं, देखिए जी यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, देखिए जी क्या कर रही हैं, और ये बच्चा पार्टी देखें, रामेश बड़ा तुम्हारे गोते की वीडियो बनी है, रामेश है, शेरी 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 तेरी गोते की वीडियो बड़ी बनाई है मैंने, अंदर से बनाई है गोता, चले फिर चलो बच्चों आ जाओ, जाओ बस करो आ जाओ, जैन भी लेके कर रहा है डूबा हुआ, ये पाउडर पे है क्या सना भी, आपको तो ओल्ड है, नहीं नहीं है अपन का, क्या नहीं है पाकिस्तान में, नहीं नहीं सना भी, नहीं नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा ना आ गया आपका खा गया आपने, ये लो ये देखो, ये मुझे कह रहे अपना फोन आप ही बीच में डिप कर दो, और हमने अपने सारे आईफोन, यार मैंने बड़ी बार डाला हुआ है, बस यहां से हाथ ही कहां है, तो हाथ जो मर्जी है डालो, पानी तो हर जगह चले जाना है, चलो आ जाओ जैन, चले जैन, चलो आ जाओ बच्चों, जैन चल आ जाओ, रामेश हसन नाना उधर, ये देखे ये कौन सा मोर है शेरी, ये कौन सा मोर निकला है कि पानी से मोर निकला है, ओए नहीं कायनात के बेटे इस तरह के नहीं होते, कायनात के प्यारे प्यारे बेटे, कायनात के दो बेटे का हल्ला नहीं करते, गोबर है जी, इस लड़के ने पहले निशा मामी की चप्पल पहनी थी, मामा की पहनी थी, और ये सब लोग अब इधर रह रहे हैं, और तुम लोग कब तक निकल रहे हो, हम बस थोड़ा सा ये कपड़े सूख जाएं के निकल रहे हैं, हम लोग अब उधर जा रहे हैं कोल्ड स्टोर देखने के लिए, और बच्चा पार्टी सब इधर बैठे हैं, क्यों अंकल आप लोग जा रहे हैं,
क्या लेने जा रहे हैं पता ही नहीं इसने कहा क्या है। अब जी हम यहाँ से निकल रहे हैं शहरी, वो कपड़े चार पे पड़े वो। अब जी हम जा रहे हैं अंकल के कोल्ड स्टोर जहाँ पे वो अपने आलू को स्टोर करते हैं, अपने आलुओं को स्टोर करते हैं। हाँ जी चले अब आओ ना कोल्ड स्टोर दिखाते हैं इनका। अच्छा। उस ये ना अपना सारा आलू ना सीजन का स्टॉक कर लेते हैं। सही है वो इनके बिल्कुल जी पास ही है फार्म हाउस के बिल्कुल ये सामने कोल्ड स्टोर है तो हमने कहा चलो देर तो हो रही है बट थोड़ी सी चलो वीडियो बना ही जाए। और हमारे साथ है मिस जुहा, मुस्तफ़ा, कायनात और मिस वाला। इधर असल बेचारियों के मेकअप उतर गया ना तो फिर ये हाल हुआ है सबका और हमारा भी। अभी घर जाके वहाँ तैयार होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी कोल्ड स्टोर बिल्कुल पास ही अंकलों की गाड़ी इधर हो गई है खड़ी हुई, हम लोग साथ जाते हैं। लोहर सोलर का आजकल फुल वो है ट्रेंड आओगे पता है। ये चली सोलर पे वो देखो पीछे सही है चली जो सोलर रहा है। बाहर निकल के दिखाती हूँ बाकी। हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे आए हम एक्साइटेड होगी कहाँ जा रहे हैं आलू जा रहे हैं? आलू देखने जा रहे हैं आलू हुरम को देखने जा रहे हैं हुरम को स्टोर की मशीन ये माइनस अंकल क्या कर रहे हैं माइनस सेवन होता है ठंडा हुआ है ये -7 में हो ये कितना इसमें है कितना जी टेम्परेचर कितना है इसका अंदर 35 फ्रिज में ये माइनस में नहीं आंटी सुकून आ गया मैं सारी गीली हूँ। अच्छा ये देखो ना ये सारा आलू स्टोर है। अच्छा ऊपर सही 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 अच्छा ये सारा आलू ऐसे स्टोर होता है ये सारा आलू स्टोर है देखो दिखाओ ये मजबूत तो है ना सारा। हाँ जी हाँ जी नीचे बेसमेंट में भी आलू ऊपर भी आलू गिरेंगे भी तो आलू के ऊपर ही है। सही ओ हो ठंड काफी लग रही है ये देखो आलू भी ठंडा है तो ये ठंडा रहता है आलूओं के ऊपर हो रहा है पीछे भी आलू आगे भी आलू दरमियान में भी आलू ये देखो इनके बेसमेंट है ना दफा हो जाएगा जी दरमियान में भी दो आलू। हाँ जी सही सही आज आलू के चालू हो गए हैं ये देखो सारा बर्फ की तरह ठंडा हुआ ये आलू ये देखो कितना ठंडा हाँ फुल ठंडा हुआ मजा आ गया। सही चले ये इस तरह स्टोर होता है ये आलू ये स्टोर में अगर ना पड़ जाए इधर इस तरह फिर मंदर रजाई निकाल ले रजाई भी ना हो तो फिर हाँ फिर वो मूवी वाला सीन हो जाए। माशाल्लाह ये देखे ऊपर तक ये दिखाए ये पाइप से इतने ठंडे हुए हैं माइनस चले आलू हसन ये देख हसन ये देखे ये फुल मैंने जिंदगी में पहली दफा कोल्ड स्टोर देखा ये टूट से नहीं जाएंगे यार बनाओ ना दिखाओ जा रही हूँ ये इतने ठंडे का आपको बता रहे हैं ना हाँ ये पाइप से इतने ठंडे फुल्ला हाथ ये देखे लाल हो गए ये देखो ये सारी इस तरह बेसमेंट भी दो तीन मंजिले तीन चार मंजिले ऊपर है कोल्ड स्टोर आलू ही आलू नीचे ऊपर पापा दुपट्टे ठंडे हो गए कपड़े भी पापा ज्यादा ठंड का है नीचे ऊपर ये सेम है ये -7 में इस्टे। अच्छा ये मशीन्स के जरिए हसन ऊपर से भी हुआ है नहीं नहीं बस चलते हैं नीचे बस होगी ये इनके बड़े बड़े कंप्रेसर लगे हैं ये ठंडा करते हैं अभी तो ये काम करते हैं जैसे ही थोड़ा हाँ ये देखो इसका देखना कैसे रेड होना शुरू हो गया आ जाओ ठंड से जैसे सर्दी में नहीं सांस होता सबकी ऐसी आवाज आ रही है सही इतनी कूलिंग इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना ये फ्रीज हो जाने फ्रीज होने वाला हिसाब है। अच्छा प्रेशर अभी बंद है फ्रूट यहाँ 5 मिनटों में ठंडा हो जाए ये पाइप पे हाथ ही रखा जाए साइड भी हो जाओ लाइट
पता चल रही है बर्फ नजर आ रही प्रोमिनेंट हो रही अच्छा जिस तरफ थोड़ी बर्फ जमी अब लॉक कर दे लाइट्स ऑफ हो गई कोई हुई अजीब कंडीशन हुई है लॉक इसी तरह ये तीन कमरे हैं 70,000 बैग पड़ा है आलू की आंटी समझ रही निशा अंदर रहेगी निशा के स्टोर ये देखिए ये मशीन सही चले चले और जी मैं सूरा आप उधर बैठी हुई है हसन भी उस गाड़ी में बैठा हुआ है और आंटी लोग उधर किसी काम से बाहर गए हैं क्या बात है और यहाँ पे जी सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए इमरान मिस जुहा मिस वरीशा मुस्तफा सोया हुआ है हमारे साथ आना है बेटा गाड़ी में जगह नहीं अभी हम वहाँ उतरते हैं ना फिर आप आ जाना अभी वहाँ उतरते हैं ना हम फिर आपको ले लेंगे Few minutes later. माशाल्लाह इमरान भाई के घर मजेदार जबरदस्त चाय का है तमाम के इमरान भाई ने चलो ये जी इमरान भाई ने जबरदस्त चाय का इंतजाम किए हैं ये क्या है जी विंग्स हैं थाली है मुस्तफा कहाँ गए हसन बाजी के पास गए लिटा दो इसको फिर अजमल आजम आया फिर लगे हैं चाय फिर उन्हें बंदे लेके दिए दस हम ये बाबा का गमरी ना तो मैं ना लू बाकी इन लोगों को तो ले सकती हूँ ना जी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हमने यहाँ चाय शाय पी है कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और वरीशा दिखाओ जरा हम लोग जा रहे हैं आ जाए सब अब जी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मामू के घर जाने के लिए और तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा मोटरवे से जाना पड़ेगा हाँ पेंसिल के लिए मोटरवे पे चढ़ना पड़ेगा वहाँ से लेके जाना पड़ेगा तकरीबन 20-25 किलोमीटर का सफर हाँ जी आपने आज हमारी रूटीन देख ली है माशाल्लाह से चलता चलता व्लॉग काफी लंबा हो गया हो सकता है इस व्लॉग के मैं 2 parts बना दूँ ज्यादा अगर लॉन्ग हो गया तो इसके 2 parts बनेंगे जी आपको पता है की ट्यूबवेल से हो क्या है और बच्चे नहा के फार्म हाउस से और ये बच्चा पार्टी है मिस अब तो तैयार हो नोनू मिस कायनात नोनू भी साथ है नोनू फुल एंजॉय करता हुआ और जी मिस सूरम तो आगे बैठी होती है मुझे भी दिखा दे वापसी भी हम यहाँ जा रहे हैं इस तरफ से जी आते हुए हम इस साइड से क्यों नहीं आए थे तो गोजरा से वापसी ये थ्रू पेंसरा इंटरचेंज मेनपुर इंटरचेंज को कर देंगे दोबारा फैसला बताऊंगा ठीक है मोटरवे का एरिया खूबसूरत बना हुआ है और ये मेरी बेटी के मुसलसल ये बाल इसके खींच रहे अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और क्या कह रही है मिस मेरे साथ दोनों लोगों ने चलाने आते हैं कितने है दो दो रख के भी चलाने नहीं आते बच्चों ने मत मारी भी बता क्या कर सकते हाँ ये भी सही कह रही ये देखना ये फिर मेरी बेटी के बाल खींच रहे नो नो नो
ये जो आगे आया ना मेरी बेटी के बाल, हाथों में देखना कितने बाल ले लिए। इमरान इधर गए हैं पापा लेने। क्या बोल रहे स्विमिंग पूल आप, ये कोई बात है या आपको ले दो गाड़ी में जगह है मुल्तान जाके मैं इधर रख लूंगी ना। कहाँ रख लूंगी इधर, मैं तुम्हें भी नहीं आगे बिठाना चाहती। मैं इधर रख लूंगी ना। नो 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 सब खाना खा रहे हैं और कायनात क्या खा रही है, सिर्फ खा रही है बस इतना सब। आंटी भी ये खा रही है, मेरी प्लेट आंटी ने मुझे ये डाल के दिए। मेरी पेट में सोफा था, मैंने हम लोग जा रहे हैं हसन को तो ले लें बात सुने। वो देखिए हसन और हसन में आ भी नहीं रहा, देखना जरा कितना रिलैक्स होके आ रहा है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा चलो अच्छा क्या था, हाँ मुझे याद नहीं अभी। हम लोग जा रहे हैं हम लोगों के घर, हम लोग आए थे बहुत मजा आया। तुम अंकल फैज के साथ आओगे तो गाड़ी? हाँ अंकल फैज के साथ। ये आवाम जी यहाँ खड़ी। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये देख बच्ची को छोड़ के कैसी आजाद फिर रही, फिरने जा रही है। नहीं जैन ये क्या कह रहा है ढक्कन, जैन इसको समझ नहीं आई। इमरान जी यहाँ पे लेने गए हैं मेडिसिन और मुस्तफा का फीडर टूट गया है वो लेने गए हैं, सेरिलैक लेने गए हैं, ये थोड़ी छोटी चीजें हैं। और मुझे लगता है मेडिकल स्टोर वाले अभी शॉप बंद कर दी है और तभी यहाँ से रब्ता किया है उसने छोटी सी विंडो से खोल कर। देखिए इमरान कब तक आते हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए जी लाइट से लाओ जरा हसन। जी आंटी नायला ने कितना प्यारा इसका हेयर स्टाइल बनाया है, जोहा रिबन्स वाला है ना ये। जोहा दिखाओ फ्रंट से भी दिखाओ, फ्रंट से नहीं कैसी लग रही है आप, फ्रंट से कैसी लग रही है दिखाए ना। ओह वही चेहरा है पुराना। और यहाँ पे ना मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रही हूँ और वो ये डिस्कशन है कि मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए थे कि जी आपने 100K की जो वीडियो, बल्कि कई लोगों के लिए जस्ट एक कमेंट आया था कि जी आपने 100K वाली वीडियो जो है आपने थंबनेल लगाया वो फेक है और ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाके भी देख सकते हैं जी मेरे, बल्कि जब मैंने ये सेलिब्रेट किया था तब तो मेरे 1 लाख फॉलोअर्स थे, अब तो मेरे 130 तकरीबन हो चुके हैं ना मेरे फेसबुक पर जो फॉलोअर्स हैं, 130 तक पहुँच चुके हैं यानी कि 130K हैं मेरे फॉलोअर्स। और मैंने उसका केक भी कटिंग किया था और मैंने बकायदा दिखाया भी था। तो इसमें फेक क्या है, ये देखिए ये मेरी पिक्चर है और ये केक के पिक्चर है। और जी बस आज का व्लॉग इतना ही था, ये मैंने इसलिए डिटेल में, वैसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं करती, बट मुझे ये लग रहा था कि मैंने फेक क्यों दिखाना है। अगर मैं यूट्यूब की सेलिब्रेशन करूँगी इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर यूट्यूब लिखवाऊंगी। और लास्ट में ये कुछ पिक्स वगैरह थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाए जो हमने वहाँ पर इंजॉयमेंट किया। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ यान ने ना अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हम लोगों ने आज व्लॉग बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे चैट के दो बंदे हैं। एक हो गई है हमारे प्यारे ताह भाई और ये असफर भाई अभी शपाटर आ गए हैं और अब हम गाइस बाइक पे निकलने लगे हैं। हाँ और असफर भाई, तो गाइस अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी बिल्कुल भी ना करना है, ना सब्सक्राइब आपने करना है और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। और इधर आओ पीछे,